अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके और मेरे चैनल RPSC A to Z पर। राजस्थान पुलिस भर्ती की एग्ज़ाम से रिलेटेड ये अपडेट है। कांस्टेबल के 13,142 पदों के लिए 2 दिन में 4 पारियों में परीक्षा देंगे 15 लाख अभ्यर्थी। हर दिन 2-2 पारियों में परीक्षा होगी और हर पारी में 3.5 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। पेपर लीक होने के मामलों के चलते एक साथ परीक्षा कराने के बजाय 4 पारियों में परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है, ताकि पेपर लीक जैसी भी कोई बात हो जाए तो सिर्फ एक ही पारी के अभ्यर्थी प्रभावित हो, सारे अभ्यर्थी प्रभावित ना हो। 14 और 15 जुलाई को जिला मुख्यालयों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। मेरिट जिला स्तर पर बनेगी। जिन अभ्यर्थियों ने एक से ज़्यादा जिलों में आवेदन किया है और परीक्षा अलग अलग शिफ्ट में है तो अभ्यर्थी दोनों जगह परीक्षा दे सकता है। ये आपके लिए अच्छी खबर है दोस्तों, क्योंकि मुख्यालय ने जब भर्ती विज्ञप्ति निकाली थी तब स्पष्ट कहा था कि एक आवेदक को एक ही फॉर्म भरना है, एक से ज़्यादा फॉर्म भरने पर दूसरा फॉर्म निरस्त माना जाएगा। अभी आवेदनों की जांच चल रही है और जांच के बाद में एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र भी तैयार किया जा रहा है। लिखित परीक्षा 75 नंबर की होगी, जिसमें 120 प्रश्न होंगे, 15 नंबर शारीरिक दक्षता के और 10 NCC और होमगार्ड के। परीक्षा 2 घंटे की होगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी और राज्य से बाहर के ST/ST के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में माना जाएगा। तो ये थी सारी डिटेल्स। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।